भुजंग, आज हम तुम्हारी मौत बन के आया हूं। भुजंग, 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 सादे, तूने उस मासूम की मौत को हमारे सर के ऊपर डाल के अपनी मौत को अपने पास बुला लिया है। हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा हरामजादे। इस फाइटर को उस इंस्पेक्टर बलवंत के पास लेके जाओ। इसकी जो भी बची कुची जान है वो निकाल देगा। उतारो ससुरे का नीचे। तो हम झूठ की औलाद हैं। अरे ओ लहरवा, चाय पिलवाऊं? बहुत गर्मी लागत है। पंखा चलवाऊं तो हर टेटवा में ऐसन हड्डी अटकाऊंगा, ना तो निगल सकोगे और ना ही उगल सकोगे। एक बार हमार हाथ खोल दे इंस्पेक्टर, तुम्हारी हड्डियों की कसम, हम तुम्हारी हड्डी से हड्डी ना बचा दूं तो हमार नाम जगन्नाथ नहीं। देखो, ससुरे में जाना अभी तक बाकी है। हम तुका जंगल में ले जाएंगे, जवाबी हमले का नकली केस बनाई के हम तुका गोली मार देब। मतबल समझ गए ना लहरुआ? फेक एनकाउंटर ले चलाई का।
इस वक्त कौन हो सकता है? आप खाइए, मैं देखती हूँ। कौन है आप? तुम नहीं जानता, तुम्हारा मिस्टर जानता है। क्या हाल है सर? क्या चाहते हो? इस वक्त क्यों आए हो? जानते नहीं हमारे खाने का टाइम है? सॉरी सर, लेकिन ये तो हमारा बदमाशी का टाइम है। सर, बैठे बैठे हमको एक आइडिया आया। हम सोचा तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है, अकेले मियाँ बीवी है, तो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा पत्थर का कदान हमें आना चाहिए। इसीलिए हम आपको अपना बाप बनाने के वास्ते आया सर। बदतमीज, दो टके के ठेकेदार, तुम्हारी ये मजाल। अपनी खदान का एक बार ठेका तुमको क्या दिया कि तुम उसी के मालिक बनना चाहते हो? निकल जाओ यहां से। बाकी रही खदान की बात, वो मैंने सरकार को देने का फैसला कर दिया है। नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर, वरना धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। बहुत बोलता है रे तू, बहुत बोलता है, बहुत बोलता है रे तू, बहुत बोलता है। अब तेरा टाइम अब हो गया। तुमको सोचने के वास्ते हम और टाइम देता हूं। तुम जो बोला उसे भूल जाऊंगा, हम जो बोला उसे याद रखना। नमस्कार भुजंग बाबू। आओ इंस्पेक्टर, इस एरिया के टॉप ऑफिसर इंस्पेक्टर बलवंत, कहो कैसा आना हुआ? वैसे ही जैसे हर बार आते हैं, गर्मा गर्म हड्डी लेकर। इस बार हम उस खदान के मालिक की खबर लाए हैं। उस ससुर ने थाने में तुम्हारे खिलाफ रपट दर्ज कर दी है। क्या है ना भुजंग बाबू, बड़ा आदमी है और बड़े आदमी की कंप्लेन तो लेनी ही पड़ती है। अब एक्शन लेना ना लेना तो हमारे हाथ में है ना। हमारे विचार में भुजंग बाबू उस ससुरे को बढ़िया सी हड्डी डाल दी जाए, भूतनी का बेटा चबाता रहेगा। नहीं इंस्पेक्टर, वो आम कुत्ते जैसा नहीं है जो हड्डी लेना जानता है। ये तो स्पेशल टाइप का खड़ूस कुत्ता है जो हड्डी टुकड़ा देना जानता है। इसीलिए हम उसे एक बार और मिलना चाहते है। नहीं, ये तू ठीक नहीं कर रहा, याद रख तुझे पछताना पड़ेगा। भुजंग बदमाश, पकड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अरे भुजंग याद रख, अच्छा नहीं कर रहा तू। सर, ये लास्ट टाइम हम तुमको बोलता है, फटाफट इन खदान के कागज पे साइन कर दो, वरना हमारा पैर इस गाड़ी के ब्रेक से हट जाएगा और तुम पुकट में लटक जाओगे। लोग यही समझेंगे कि बिना बच्चे के जीने से अच्छा तुमने
मरना पसंद किया खुदकुशी करके। भुजंग ये मत भूल कि मेरे बाद तेरा नंबर आएगा। सर आप बचपन से इतना जिद्दी है क्या? लगता है आपका जिद मरने के बाद ही टूटेगा, इसीलिए हम अब आपका टाइम अप कर देता हूं। अरे अरे आ गया हमारा बबुआ आ गया। भाई कितनी देर से हम इंतजार कर रहे थे। इतना बड़ा हो गया बिल्कुल बड़े बाबू की तरह। बहू रानी जानती हो जब ये छोटा सा था तो हमारी गोदी में खेला करता था, हमारे कपड़े खराब कर दिया। तीनू चाचा यहाँ के केयर टेकर है ये। बहू रानी आओ अपना मकान देख लो, हमने सब ठीक कर दिया है। अगर कोई भूल ले गए तो बूढ़े को माफ कर देना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देख के पड़ती छोटे बाबू ये बताओ कि छुटका कहाँ है? अजय हाँ। उसके इंजीनियरिंग के एग्जाम्स चल रहे हैं, दो तीन दिन में खत्म हो जाएंगे, आ जाएगा। अच्छा 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 बाबू रानी ये बताओ कि घर ठीक ठाक लग रहा है ना? बहुत अच्छा, मगर रसोई घर कहाँ है? आइए बताता हूँ। ₹40 किस बात के? बात के नहीं काम के। आपका इतना सामान गाड़ी से अंदर लेके आया ना, उसकी मजदूरी। पर तुमसे किसने कहा कि वो सामान गाड़ी से यहाँ लेकर आओ? देश की हालत ने। क्या मतलब? देखिए साहब देश में बेकारी बहुत बढ़ गई है और काम तो बोलता नहीं कि मेरे पास और करो, इसलिए मैं खुद काम के पास जाता हूँ, उसे करता हूँ और अपना हक मानता हूँ। लेकिन मांगते बहुत ज्यादा हो साहब। अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो उसका आधा दे दीजिए, और अगर आधा भी ज्यादा लग रहा है तो आधे का आधा दे दीजिए, और अगर आधे का आधा भी ज्यादा लग रहा है तो आधे का आधा दे दीजिए। साहब आप आदमी अच्छे लग रहे हैं इसलिए आज का काम फ्री। नहीं 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 ये लो, जो आदमी मेहनत करता है उसको उसकी मेहनत का मेहनताना मिलना चाहिए। शुक्रिया साहब। सुनो। जी साहब। नाम क्या है तुम्हारा? गिर जा। इसीलिए गिर गिर करा रहे थे तुम। अच्छा साहब। और संभल के। गिर जा साहब। गिर जा। अरे गिर जा। ओहो जानते हो दीनू चाचा, मैंने खुद कहकर अपना तबादला यहां करवाया है। मेरा रिश्ता इस जगह से कभी नहीं टूटा, बल्कि मैंने तो अजय और भारती से कहा कि रानीगढ़ ही वो जगह है जिसे मैं अपनी कर्म भूमि बनाना चाहता हूं, क्योंकि यही तो मेरी जन्म भूमि है, बल्कि मेरा तो यही सपना है कि मैं अपनी आने वाली औलाद का जन्म भी यही देखूं, उसे यहां की मिट्टी में पालूं पोसूं बड़ा करूं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, भगवान तेरा सपना पूरा करे, लेकिन यहां बहुत कुछ गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है दीनू चाचा? अब तुम सरकारी वकील बन के आए हो तो धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। लगता है दीनू चाचा तुम जानते बहुत कुछ हो मगर बता नहीं रहे हो। बताएं भी तो कैसे बताएं बबुआ, यहां डर का राज है, जुल्म की हुकूमत है। दीनू चाचा मैंने अपनी डैडी से एक बात सीखी थी, वो हमेशा कहा करते थे कि बहादुर आदमी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मरता है, मगर कायर न जाने कितनी मौतें मरता है। अरे दीनू चाचा आप इतनी रात गए जाग रहे हैं? हाँ बबुआ नींद नहीं आ रही है। दीनू चाचा ये आवाज कहां से आ रही है? बबुआ ये बाजार में एक लोहार की दुकान है, वहीं से आवाज आ रही है। लोहार की दुकान? हाँ। इतनी रात गए? हाँ ये कोई मामूली लोहार नहीं है बबुआ। क्या मतलब? अरे बबुआ कहां से आया है पता नहीं,
कौन है ये भी मालूम नहीं। रात भर काम करता है, दिन को सोता है। लोग डरते भी हैं और सराहते भी हैं। दिखने में बहुत खूंखार लगता है, लेकिन अंदर से बहुत नरम है। गहरी चोट खाई हुई कोई आत्मा है। दिलचस्प आदमी लगता है। क्या नाम है? जगन्नाथ। जगन्नाथ। जितना अच्छा दिखता है उतना अच्छा चलेगा क्या? चला के दिखाऊं क्या? कम बोलता है अच्छा बोलता है। काम की बात कर। हाँ, ये नए किस्म के बंदूक का नक्शा है। ये सिर्फ तुम ही बना सकते हो। इसे AK-47 कहते हैं। हम इसे 87 में बना चुका हूँ, पता है। बन जाएगा। 5 लाख रुपया लगेगा। 5 क्या 10 लाख ले लो। हमें सिर्फ 5 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, ये पेशगी लो। हम पैसा काम होने के बाद लूंगा। अच्छा, ऐ नक्शा छोड़ जाओ। अच्छा टाइम पास करता है। अरे भाई, कोई है? कोई नहीं है, सिर्फ जगन्नाथ है। हाँ जगन्नाथ भाई, ये हथौड़ा कितने का? 60 रुपया का। पैसा रखो और चलते बनो, अब हम सो रहा हूँ। हाँ हाँ जगन्नाथ भाई, माफ करना तुम्हारी नींद खराब की। ये पैसे कहाँ रखूं? नए हो का इतना नहीं पता? जी हाँ, अभी अभी नया सरकारी वकील बनकर आया हूं यहाँ। तो तुम सरकारी आदमी हो? जी हाँ। ये चीज बिकाऊ नहीं है। पर अभी अभी तो तुमने इसकी कीमत 60 रुपए कही थी। हम अभी अभी कह रहा हूं कि ये चीज बिकाऊ नहीं है। हम सरकारी आदमी के पैसे से अपने खीसे को खराब नहीं करना चाहता। मगर क्यों? बस यूं।
सुनिए जी, आप यहाँ के नए सरकारी वकील साहब हैं ना? जी हाँ, क्यों? क्या मैं आपसे आपसे 5 मिनट बात कर सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए अंदर चल के बात करते हैं, आइए जी। लीजिए बहन जी, रोइए मत, ये पानी पी लीजिए। आपके पति को सबके सामने बदमाश घसीट कर ले गए, किसी ने आवाज तक नहीं उठाई, ये बात तो समझ में आती है। उसके बाद आपके पति की लाश मिली, डर के मारे किसी ने कुछ नहीं कहा, यह भी समझ में आता है। लेकिन पुलिस, पुलिस की लाचारी के किस्से और लापरवाही के कारनामे तो सुने गए हैं, मगर बदमाशी के अफसाने, वो भी दिन दहाड़े, ये पहली बार सुन रहा हूं मैं। जानती हैं, आपके पति के इस केस की फाइल में एक भी काम का कागज नहीं है, सबूत और गवाहों की बात तो दूर, एक ढंग का पंचनामा भी नहीं बनाया गया है। लगता है यहां की पुलिस को उसकी उड़ान से उतार कर नीचे जमीन पर लाना होगा। क्या नाम बताया आपने उस बदमाश इंस्पेक्टर का? बलवंत। ये इंस्पेक्टर, फालतू बात मत करना, आज तुमको वकील ने वारंट के साथ भेजा है, कल हथकड़ी का नंबर आएगा, परसों का फांसी का फंदा बैठा था मेरे गले में, जानता है? हम कोर्ट का सिर्फ फोटो देखा है, आज तक किसी में हिम्मत नहीं पड़ी हमें असली कोर्ट दिखाने का। भुजंग बाबू, आप तो बिना वजह चिंतित हो रहे हैं, सिर्फ आधे घंटे की तो बात है, बस जाना है और आना है, और तुम्हारे आने से पहले हम वो काली वर्दी वाले अफसर के मुंह में हड्डी डाल देंगे। अरे भुजंग सेठ, अगर आपके केस में कोई झोलझाल हुआ तो हम बैठे ना आपके बनाए हुए लॉ कॉलेज के स्टूडेंट। हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन हमको फालतू में बुला के बिठाने का नहीं, फोन करके करेक्ट टाइम पे बुलाने का। नमस्कार वकील बाबू, हम हैं यहाँ के थाना इंचार्ज, इंस्पेक्टर बलवंत। ओह, तो आप हैं इंस्पेक्टर बलवंत? जी हाँ। इंस्पेक्टर बलवंत, मैं भुजंग की इस फाइल में उसकी केस स्टडी कर रहा था, इसमें कोई एक ऐसा पॉइंट भी नहीं मिला मुझे जिसे प्रोसिक्यूशन यानी हमें इस केस में कोई जीतने की उम्मीद हो। वकील बाबू, केस का जीतना या हारना पुलिस डिपार्टमेंट का काम नहीं, हमारा काम तो केवल मुजरिम को पकड़ना है और कोर्ट में पेश करना है, और ये काम बड़ी खूबी से निभाते हैं। नहीं, मुजरिमों को सिर्फ पकड़ना ही तुम्हारा काम नहीं है इंस्पेक्टर बलवंत, मुजरिमों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना भी तो तुम्हारा काम है, वरना मुजरिमों को बिना सबूत के जज के सामने पेश करने से तो हम बेवकूफ साबित हो जाएंगे। तो क्या आप अपने आप को समझदार समझे थे वकील बाबू? क्या फरमाया आपने, जरा दोबारा कहने की जहमत करेंगे आप? बेशक, परंतु शब्दों में नहीं। ई बैग में ई केस की फाइल है, तनिक देख तो ले हो। ये हड्डी आप नजराने के तौर में रख सको तो वकील बाबू, बशर्ते आप कोर्ट में जज के सामने बेवकूफ बनकर खड़े रहने को तैयार हो। अब फैसला आपको करना है कि आप समझदार हैं या बेवकूफ हैं, हैं? इतना समझदार तो हूं मैं इंस्पेक्टर बलवंत कि मुझे रिश्वत देने के जुर्म में मैं तुम्हें सलाखों के पीछे कैद करवा सकता हूं। वाकई आप बड़े बेवकूफ हैं वकील बाबू, क्योंकि नोटों से भरा ई बैग आपको किसी ने लाके दिया, आपने अपने हाथों से उसे खोला, मैंने तो उसे छुआ तक नहीं। मगर ये रिश्वत है जो मुझे तुम्हारी आंखों के सामने दी गई है। मैं तो यहां था ही नहीं, सबूत आपके पास है नहीं, और गवाही ई देगा नहीं हड्डी डाल के। आप भुजंग बाबू आ गए हैं, जज से जाके कह दे। यस सर।
चलते हैं। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मिसेस मोहन सिन्हा का इल्जाम है भुजंग बाबू के खिलाफ। इन्होंने इनके पति मोहन सिन्हा का कत्ल किया है। इसका कोई सबूत या कोई गवाह है आपके पास? जी नहीं योर ऑनर, पुलिस की रिपोर्ट में गवाह और सबूत का कोई जिक्र ही नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है, सरकमस्टांशियल एविडेंस यानी हालात का इशारा मिस्टर भुजंग की ओर है। हालात के इस इशारे को जुर्म साबित करने के लिए कोई सबूत कोई गवाह है आपके पास? जी नहीं फिलहाल तो नहीं है। तो फिर आप अदालत का वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? मैं चंद दिनों की मोहलत की दरखास्त करना चाहता हूं योर ऑनर। हो सकता है इस बार पुलिस कोई गवाह ढूंढने में कामयाब हो जाए। पुलिस अपनी तहकीकात पूरी कर चुकी है योर ऑनर, हमका कौनू सबूत कौनू गवाह नहीं मिला। ये तो एक बहुत ही सिंपल सा सुसाइड केस लगता है, यानी कि आत्महत्या। ये झूठ बोल रहा है सरकार। जहां भुजंग ने मेरे पति को मारा वहां 10-20 नहीं 50-60 आदमी थे, और वो सब अंधे नहीं थे बहरे नहीं थे। फिर पुलिस ये कैसे कह सकती कि किसी ने कुछ देखा नहीं कुछ सुना नहीं? श्रीमती जी, आप कहती है कि आपके घर के सामने अंधे और बहरे नहीं रहते, लेकिन मौके वारदात पर जब पुलिस पहुंची तो वहां अंधे बहरे तो क्या लूले और लंगड़े भी नहीं थे, क्योंकि वहां कुछ था ही नहीं। योर ऑनर, कोई गवाह और सबूत ना मिलने की वजह से मेरा मोक्कल बेकसूर साबित होता है, इसलिए मैं अदालत से अपील करता हूं कि मेरे मोक्कल को इज्जत से बरी करें। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं नहीं साहब, मुझे कुछ कहना है। पुलिस चाहे कुछ भी कहे साहब, लेकिन सब अंधे बहरे नहीं होते हैं। मैं गवाही दूंगा। जज साहब, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। योर ऑनर, मुझे खुशी है कि मुर्दों की बस्ती में कोई तो मर्द निकला। मैं दीनानाथ जी को इस केस में गवाह के रूप में पेश करने की इजाजत चाहता हूं योर ऑनर। परमिशन ग्रांटेड। आइए दीनानाथ जी, आइए। गीता पर हाथ रख के कसम खाइए कि जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा। हाँ देनु चाचा, आप इस अदालत को यह बताइए कि आपने क्या देखा और क्या सुना। साहब, मैंने देखा कि भुजंग और उसके आदमी सड़क के बीचों बीच मोहन बाबू को ऐसे मार रहे थे जैसे वो उन्हें जान से मार देना चाहते हैं। और क्या देखा? फिर मैंने देखा कि वो उन्हें गाड़ी में डाल के ले गए। दीनू चाचा, तुमने भुजंग बाबू और उनके साथियों को मोहन सिन्हा को मारते देखा? जी हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मरते देखा? साहब, जिस तरह से वो मार रहे थे उससे तो अंदाजा ये। अंदाजा नहीं, तुमने मरते देखा? जी नहीं। जो ऑनर, तो मतलब बिल्कुल साफ है, इस आदमी की गवाही से यह साबित नहीं होता कि भुजंग बाबू और उसके साथियों ने मोहन सिन्हा का कत्ल किया है। कत्ल नहीं किया तो कत्ल करने की कोशिश तो की। मामला कत्ल का है, कत्ल करने की कोशिश का नहीं। कोशिश के बगैर कत्ल नहीं होता मिस्टर भाटिया। योर ऑनर, किसी इंसान पर कातिलाना हमला करने की सजा तो भुजंग बाबू को मिलनी ही चाहिए। नहीं नहीं, इस इंसान की गवाही से सिर्फ पब्लिक प्लेस में शांति भंग करने का इल्जाम साबित होता है। यह अदालत मिस्टर भुजंग को 7 दिन की कैद और 200 रुपए जुर्माना करार देती है। मैं वापस आने तक इसको जिंदा रखना। माय को इसका टाइम अप करूंगा।
भुजंग? डॉक्टर जल्दी से हमको हॉस्पिटल में एडमिट कर दो। क्यों, क्या हुआ है आपको? ये लोग मुझे जेल लेके जा रहे थे, अचानक रास्ते में मुझे चक्कर आया और मैं बेहोश होने वाला था। क्यों डॉक्टर, मैं बीमार नहीं तो घायल तो हूं ना? चल मेरा नाम लिख रजिस्टर में। टिकट प्लीज। एक टिकट रानीगढ़। दो टिकट। 50 पैसा और दो। 50 पैसे और दो। तुम नहीं सुधरोगे गिरजा। वो क्या है, मैंने तुम्हें स्टेशन पे देख लिया था, एक लड़की का अकेले सफर करना ठीक नहीं, इसलिए मैंने कहा चलो तुम्हारा बॉडीगार्ड बन के साथ चलता हूँ। और फिर एक बस की टिकट में एक बॉडीगार्ड मिलना कितना अच्छा है, और ऊपर से मैं कुछ ले भी नहीं रहा। भाई साहब खड़े क्यों हैं? 3 आदमी की जगह है, बैठ जाइए। हटिए जरा, इधर आ जाओ ना, बैठने दो बेचारे को। हो रहा हूं। थैंक यू। कोई बात नहीं, मैं आपसे नहीं इनसे बात कर रहा हूँ। आप रानीगढ़ जा रही हैं? जी हाँ। अरे मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, हम कहीं भी जा रहे हो, आपको इससे क्या मतलब? जी मुझे सर्किट हाउस जाना है, और रानीगढ़ बस स्टॉप से सर्किट हाउस का रास्ता मुझे नहीं मालूम। सर्किट हाउस? वो नए सरकारी वकील साहब से मिलने? जी वो मेरे बड़े भाई हैं। बड़े भाई? अरे पहले क्यों नहीं बताया, मैं खामखा आप पे नाराज हो रहा था। वो क्या है, साथ में कोई जवान लड़की हो ना तो आदमी ऐसी सब पे शक करने लगता है। ये है गिरजा, हर किसी का बिन बुलाया मेहमान। अब देखिए ना, कुछ ही देर पहले इसने अपने आप को मेरा बॉडीगार्ड बना लिया, वो भी तब तक जब तक कोई खतरा ना हो। जहाँ खतरा नजर आया ये 9-2-11 हो जाएंगे। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका साथ भी छोड़ूंगा, मैं आपको सर्किट हाउस पहुंचा दूंगा। कहिए कैसे जाएंगे, टैक्सी में, ऑटो में, टांगे में या टांगों पर? मुबारक हो, आपको अपना गाइड मिल गया। लेकिन जरा संभल कर, इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी, है ना? आप भी कमाल करती हैं। मैं आपको लेने स्टेशन गया था, पर आप कहीं नजर ही नहीं आई। देखिए मैं आपके लिए गाड़ी लाया हूं। हाँ चलिए मेरे साथ चलिए। देखिए आप एक शरीफ लड़की की तरह मेरे साथ गाड़ी में चलिए, ये बस में जाना अच्छा नहीं लगता है। हाँ चलिए चलिए ना, चलिए चलिए। आप अपनी मर्जी से जा रही हैं या अगर आप खुद ना जाना चाहें तो आपको कोई जबरदस्ती नहीं लेके जा सकता।
आइए आइए बढ़िया रहीम हट मैडम को बैठने दे संभाल के ये आप उसकी बातों को बुरा मत मानिएगा तो उसकी बातों को मैंने भी बुरा नहीं माना बिल्कुल नहीं माना कौन था ये मंगा बस यूं समझ लो कि सारा रानीगढ़ इन लोगों के इशारों पर चलता है मैं तो कहूंगा कि मंगा जैसे लोगों के साथ पंगा मत लेना कहीं उस लड़की को बोलो नहीं, नहीं 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 कुछ नहीं उसकी चिंता मत करो वो शहर में डॉक्टरी पढ़ती है अपनी हिफाजत खुद कर लेगी अरे ड्राइवर साहब चलो भाई गाड़ी ले लो चले ना चलो 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 चलाओ गाड़ी नीचे उतरने की जरूरत नहीं है पलट जाओ आधे घंटे के बाद यही बस वापस जाएगी हाँ, आधे घंटे बाद जाएगी अच्छा है ना अंदर इंतजार कर लेंगे आ जाओ अंदर गुरु शट अप मुझे तो यही उतरना है जमीन पर पैर मत रखना क्यों जमीन तेरे बाप की है क्या खबरदार हमारे बीच में कोई नहीं आएगा फैला तो गांधी के देश में है झगड़ा मैंने नहीं शुरू किया इंस्पेक्टर साहब इसने किया वो देखिए बस के दरवाजे पे चिपचिपाई है ज्यादा बकबक नहीं चला थाने में लेकिन इंस्पेक्टर साहब मेरी बात लेकिन लेकिन कुछ नहीं अंदर ले जाऊंगा और सारी हवा निकाल दूंगा हड्डी डाल के देखिए इंस्पेक्टर साहब मैं एक शरीफ आदमी हूँ और इस शहर के नए प्रोसिक्यूटर अरविंद कपूर का छोटा भाई हूँ तो तुम अरविंद कपूर के छोटे लल्ला हो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के भाई है सीधी तरह चलाओ नहीं तो धक्के मार के ले जाऊंगा चला इंस्पेक्टर तुम नहीं जानते तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो बगैर किसी जुर्म के तुम मुझे लॉकअप में नहीं बंद कर होश एक भी लफ्ज जबड़े से बाहर निकाला ना तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा बबुआ साहब आपके भाई को पुलिस पकड़ के थाने ले गई कब कहां से अभी बस के अड्डे से बात है इंस्पेक्टर बहुत मसरूफ दिखाई दे रहे हो अंधे हो का जो दिखाई दे रहा वही का है पूछो तो इंस्पेक्टर कहिए सरकारी वकील साहब क्या बात है उस ओर तो तुम देखते नहीं जा भुजंग बड़े से बड़ा जुर्म करता है उन लोगों की चीखों पुकार तो तुम्हें सुनाई नहीं देती जिन पर भुजंग बड़े से बड़ा अत्याचार करता है आपको दर्द कहां हो रहा है काहे हो रहा है ये हम अच्छी तरह समझते हैं वकील बाबू परंतु हम का करें हम तो कानून की हड्डी हैं, इसलिए मजबूर हैं। सड़क पर दंगा करते आम जिंदगी में खलल डालते अमन और शांति को भंग करते हमने तुम्हारे भाई को गिरफ्तार किया है और हमका पूरा यकीन है
कि जो दफा हमने लगाई है उसके तहत तुम अदालत में अपने भाई के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग करोगे, ठीक उसी तरह जिस तरह तुमने भुजंग बाबू के लिए की थी। ये सच्चाई तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है जिसे तुम अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ सको इंस्पेक्टर बलवंत। फिलहाल ये रहे मेरे भाई की जमानत के कागजात। तकलीफ तो होगी तुम्हें, दर्द भी होगा, कहां होगा कितना होगा ये भी मैं जानता हूं, पर क्या करूं, मजबूर हूं ना इंस्पेक्टर बलवंत, बड़ा भाई जो ठहरा। अब पढ़ लिया हो तो जल्दी रिहा कीजिए मेरे भाई को। भैया पहला गुड़िया। एक बात हड्डी से बांध दो बबुआ, कई इलाके में होने वाले किसी भी जुर्म का ना तो कौनो गवाह होते है और ना ही कौनो सबूत। पुलिस की हड्डी मजबूर है और जनता की हड्डी लाचार। ऐसा क्यों भैया? वो इसलिए अजय कि यहाँ के लोग अंधे और बहरे हो चुके, उनकी आंखों पर भुजंग के गुंडों के डर की पट्टी बंधी हुई है और उनके कानों में इन वर्दी वाले गुंडों के डर की रोई ठूसी हुई है। तुम्हारा भाई आजाद है, तशरीफ ले जाइए। सच इतना कड़वा तो नहीं होता इंस्पेक्टर बलवंत जितना तुम्हें लग रहा है। आजा आजा। भाभी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम इसे जानते हो? हाँ भाभी, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ इसे। अच्छा, देख रही हूँ घर आके भाभी से मिलने से पहले तुम बहुतों से मिल चुके हो। बहुतों से नहीं भाभी, इनसे जिनसे पहली बार मिलने से ही अफसोस होने लगता है। अरे भाई क्यों इस मासूम को दोष दे रहे हो, बैठो बैठो। तुम्हारी मुसीबतों की कहानी तो उन गुंडों से शुरू होती है ना? गुंडों से नहीं भैया, इनसे शुरू होती है। इनकी मैंने तरफदारी की और ये बस से उतरकर मटककर गुंडों के साथ चली गई। मैंने ऐसा क्यों किया जानना चाहते हैं आप? जी आप इस इलाके में नए हैं, आप नहीं जानते। मंगा एक पागल आदमी है, वो कुछ भी कर सकता था, वो बस को आग भी लगा सकता था और उसकी वजह से कितने मासूम लोग मारे जाते थे। अरे जाने दीजिए मैडम, मेरे होते हुए बस में आग लगा देता, आग लगाने से पहले मैं उसी को जला कर राख कर देता। मगर ये बेचारी कैसे जानेगी कि हमारे देवर जी इतने बड़े पहलवान है? पहलवान? अरे भाई साहब, आपके भाई तो चैंपियन है, ही मैन है, हीरो है। अरे इन्होंने मंगा को ऐसे दो चार हाथ जमाए कि उसको दिन में भी तारे नजर आने लगे। मैं तो आपका फैन हो गया हूँ। मेरा फैन बनकर तू मुझसे पैसे तो नहीं मांगेगा ना? अरे देखिए देखिए चैंपियन, आप मेरी फैन गिरी का मजाक मत उड़ाइए। देखिए मैंने आपका सामान यहाँ तक पहुँचाया, पैसे लिए नहीं। आप मुसीबत में फंसे, इनको खबर देने आया, पैसे मांगे नहीं। लेकिन अगर आज शाम को आप लोग मेरे मोहल्ले में नहीं आए तो यहाँ आने और न्योता देने के पैसे मांगूंगा। हाँ क्या हो रहा है तेरे मोहल्ले में? अरे आज मेरे चचेरे भाई की शादी है।
वरना ऐसा ना करना। तो आ जाना, आ जाना, रात को 12 बजे आ जाना, आ जाना, आ जाना, रात को 12 बजे आ जाना। पेड़ों के नीचे, पेड़ों के पीछे, पेड़ों के नीचे, पेड़ों के पीछे कोई नहीं होता है रात को। चाचा जी, आपके लिए रेहा के ऑर्डर लाया हूँ। हाँ मंगा, तभी मेरा बदन आज ज्यादा ही खुश लग रहा है और हाथ में भी अलग टाइप का खुजली हो रहा है। खुजली तो होगी ना चीचा जी, दिनू चाचा की याद जो आ रही है। बस आज आपके यहाँ सजा खत्म हुई और वहां दिनू चाचा की जिंदगी खत्म हुई। बहुरानी, घर में नमक खत्म हो गया, मैं बाजार से अभी लेकर आता हूँ। चूल्हे पे दाल चली हुई, आप जरा ध्यान रखिएगा। ठीक है। अरे शंकर, ए शंकर, अरे क्या हो रहा है? धीरू चाचा, आज आप घर से बाहर क्यों निकले? जाइए जाइए, घर जाइए। क्यों, क्या बात है? आज भुजंग की सजा खत्म हो गई और वो आजाद हो गया है। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचाइए, बचाइए मुझे, वो मुझे मार डालेगा, रोकिए उसे। कौन किसे मार डालेगा, किसे रोकूं? इंस्पेक्टर साहब, भुजंग उसके आदमी चारों तरफ फैले हुए मुझे मारने के लिए। तुमका कैसे मालूम कि तुमका भुजंग बाबू जान से मारना चाहते हैं? साहब भूल गए आप, उस दिन कचहरी में आपके सामने मुझे धमकी दी थी। इस तरह की धमकियों पर अगर पुलिस वाले कार्रवाई करने लगे ना, तो पुलिस वाले थाने में ना ही लोगों के घरों में चौकीदारी करते दिखाई देंगे। क्या कह रहे हैं आप साहब, सब कुछ तो कीजिए, वो भुजंग मुझे जान। खामोश, भुजंग बाबू ने अपनी सजा काट ली है, अब वो एक आजाद शहरी है। हम कुछ नहीं कर सकता हूँ हड्डी डाल के। कुछ कीजिए साहब। और फिर घटना हुए बिना पुलिस तो कुछ कर ही नहीं सकत। हौलदार, ले जाओ इसको। साहब आप मुझे मौत के मुंह में धकेलने हैं, याद रखना मेरा खून आपकी गर्दन पे होगा इंस्पेक्टर, याद रखना। छोड़ दो मुझे। बहुत बोलता है रे तू, बहुत बोलता है। अब तेरा टाइम अप हो गया। दीनू चाचा, अरे वो तो चले गए। भारती, भारती मैं चलता हूँ, दिन भर कोर्ट में हूँ। ओके, देखिए तीनू चाचा काफी देर से बाजार गए हैं, जाते हुए जरा देखते जाइएगा और उन्हें जल्दी घर भेज दीजिए। ओके हुजूर, ओके। हवलदार, लाश का ठिकाने लगाई दियो। तीनू चाचा, ठहरो। इंस्पेक्टर बलवंत, ये कैसे हुआ? यहाँ ना तो किसी ने कुछ देखा है और ना सुना है। इस वर्दी का कुछ तो ख्याल करो इंस्पेक्टर बलवंत।
ये लाश किसी जानवर की नहीं, एक इंसान की है, एक बूढ़े लाचार बेसहारा इंसान की, और आप इसे इस तरह उठवा रहे हैं जैसे ये लाश नहीं कोई कचरा हो, जिसे आप अपने मालिक का रास्ता साफ करने के लिए उठवाकर बाजू में रखवा देंगे। इंस्पेक्टर बलवंत, या जो कुछ भी हुआ है वो किसी वीराने में नहीं, भरे बाजार में सबके सामने हुआ है। वकील बाबू, ये तुहार अखाड़ा नहीं, तुहार अखाड़ा वो कचहरी की चार दीवारी का बीच में है, वहाँ चलाइएगा अपना पैंतरा हड्डी डाल के, अब दफा हो जाइए यहाँ से। चला जाऊं ये देखने के बाद भी कि एक थानेदार कत्ल की वारदात की तहकीकात करने के बजाय उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है? आप अभी और इसी वक्त पंचनामा बनाइए इंस्पेक्टर बलवंत, और पूछिए इन सब लोगों को इस हादसे के बारे में। पूछे अभी पूछत है, इसी वक्त पूछत है। गांव वालों, आप लोगों में जोनू भी ये हत्या के बारे में कुछ भी देखा हो, सुना हो या जानत हो, वो हमारे संग थाने चलने को तैयार हो जाए। चलिए। अरे देखा वकील साहब, मैदान एकदम साफ हुई गवाह हड्डी हटा के। मैदान साफ हुआ नहीं, साफ कर दिया है तुमने, मगर एक बात याद रखना, मैं इस मैदान में किसी न किसी को लाकर ही रहूंगा। अरे आइए आइए श्रीमान वकील साहब, ए कुर्सी दे रहे, क्या चलेगा, ठंडा या गरम? कहिए कैसा आना हुआ? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्यों आया हूं। मैं कोई अंतर्यामी या तांत्रिक तो हूं नहीं, हाँ अंदाजा लगा सकता हूँ, जब टाइम अप हो जाता है तो बकरा कसाई खाने में जाता है कटने के लिए, और कसाई जाता है काटने के लिए। अब तुम ही बताओ कि तुम बकरे हो या कसाई। तुम जैसे बकरे के लिए तो मैं कसाई था, कसाई हूँ और कसाई रहूंगा। मुझ पर इस उपकार का कोई खास कारण? हाँ, दीनू चाचा का कत्ल। दीनू चाचा? ये दीनू चाचा कौन है? वही अपना सर्किट हाउस का चौकीदार। हाँ बहुत बोलता था हरामजादा, सच बोलता था, सच बोलने की बीमारी ने उसका टाइम अप कर दिया। वकील साहब, ये तुम्हारा मेरा फाइट नहीं है, वरना मैं तुम्हें अब भी खलास कर देता। जाओ, क्यों फुकट में तुम मेरा टाइम खराब करने आए हो? मैं तुम्हारा टाइम खराब नहीं, तुम्हारा टाइम अप करने आया हूँ। अरे ये तो मेरे गले पड़ रहा है। वकील साहब, किस बिना पे तुम ये नेक काम करने जा रहे हो? जानते हो बिना सबूत के बिना गवाह के तुम कचहरी में कैसे लगोगे? ठीक वैसे जैसे बिना कपड़े का कोई आदमी। गलत मिसाल दे रहे हो तुम भुजंग, सही मिसाल मैं तुम्हें देता हूं। सुनो, कानून एक ऐसा अजगर है जो कहां छिपा बैठा है तुम नहीं जानते, जिस दिन उसकी गिरफ्त में आ गए बिना चबाए निगल जाएगा तुम्हें। अब इसके टाइम के बारे में सोचना पड़ेगा। बहुत रात हो गई, चलो सो जाओ। तुम सो जाओ भारती, मुझे कुछ काम करना है। कोई काम नहीं करना, मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा जानती हूँ, समझती हूँ, बस करो ये सोच सोच के परेशान होना और चलो सो जाओ। अरविंद, तीनू चाचा की मौत से मुझे भी धक्का पहुंचा है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं। तुम समझती नहीं हो भारती, मेरी मजबूरी, मेरी बेबसी, मेरी लाचारी ये है कि मैं उन सब लोगों को जानता हूँ जिन्होंने दिन दहाड़े सड़क पर राह चलते लोगों की आंखों के सामने दीनू चाचा का कत्ल किया है, और मैं कुछ नहीं कर सकता।
क्योंकि सबूत तो ये लोग गायब कर देते हैं और कोई गवाह इनके खिलाफ सबूत देने को गवाही देने को आता नहीं है। और फिर इससे बढ़कर ताज्जुब की बात क्या है भारती, कि यहां मुजरिम जुर्म करता है वो भी खुलेआम और ऊपर से कह कह लगाकर कबूल भी करता है कि मैंने ये जुर्म किया है, मगर कानून उसे पकड़ना तो दूर, उससे हाथ भी नहीं लगा सकता। हाथ लगाना तो दूर की बात है भैया, ये कानून तो उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। भुजंग जैसे लोगों की दहशत के सामने कमजोर है कानून, उसकी दौलत के सामने गरीब। घिस गया, घिस घिस कर पुराना हो गया है कानून। तुम कानून नहीं जानते अजय, किसी भी चीज को जाने बिना रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। तुम लोगों में, मेरा मतलब है कि युवा पीढ़ी यानी यंगर जनरेशन में खराबी यही है। तुम लोग समझते हो जो चीज पुरानी है वो नकारा है। हमारे समझने की बात नहीं है भैया, यही सच है। आप चाहे जो भी कर लो, लेकिन भुजंग को दीनू चाचा के मौत की सजा कानून नहीं दे सकता। दीनू चाचा जैसे लोगों की मौत के साथ में इंसाफ मरता रहा है और मरता रहेगा। तुम्हारा ये सोचने का अंदाज सही नहीं है अजय, इंसाफ अमर है, इंसाफ कभी नहीं मरता। उफ भैया, आप जानते हैं आपका प्रॉब्लम क्या है? आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, अमावस की अंधेरी रात में जलते हुए उस दिए की तरह, जो जल तो रहा है लेकिन उसकी रोशनी अंधेरे को नहीं मिटा सकती। और आपका अच्छा होना बुराई की मौजूदगी का एहसास दिलाता है लेकिन उसे मिटा नहीं सकता। सवाल अच्छे और बुरे होने का नहीं है अजय, सवाल है कानून में विश्वास रखने का। अगर लॉ एंड ऑर्डर ना हो तो जानवर और इंसान में फर्क क्या रह जाएगा? ये कानून का रास्ता। एक मिनट अजय, भुजंग पर काबू पाने का रास्ता मुझे नजर आ रहा है। का चाहिए? तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। किस बारे में? दीनू चाचा की मौत के बारे में। पहली बार मौत देखी है का? यहां रहोगे तो बहुत मौत देखोगे, रोज यहां कोई ना कोई मरता रहता है। मरता नहीं, मार दिया जाता है। और यही बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुमने क्या देखा? हम ना कुछ देखता हूं ना कुछ सुनता हूं। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी दुकान के सामने दिन दहाड़े खुलेआम एक इंसान को जान से मार दिया जाता है और तुम कुछ देखते नहीं, कुछ सुनते नहीं? हम दिन में सोता हूं। लगता है झूठ बोलने की कुछ खास प्रैक्टिस नहीं है तुम्हें। अरे वकील बाबू, हम कभी झूठ नहीं बोलता। खबरदार, अगर कभी ऐसा इल्जाम हम पे लगाया तो हम तुम जान से मार डालोगे। भुजंग ने भी यही कहा था, उसमें और तुम्हारे में कोई फर्क नहीं। चाचा कहता था कि लोहार देखने में तो बहुत खूंखार लगता है मगर अंदर से बहुत नर्म है। एक गहरी चोट खाई हुई आत्मा है वो। क्या देखा था उसने तुम्हारे में जो ये सब बातें कही थी उसने? दीनू चाचा मेरा कोई नहीं लगता था, मगर वो यहां पैदा हुआ था, यहां मर गया। और ताज्जुब की बात है कि उसकी मौत पर एक भी इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके कत्ल का कोई एक भी सबूत नहीं, कोई एक भी गवाह नहीं। जब मैं छोटा था ये जगह ऐसी नहीं,
लोगों के चेहरे पर डर नहीं हंसी थी। एक का दर्द दूसरा बांटता था, भाईचारे और दोस्ती की भावना भरपूर थी। मगर आज लगता है सब कुछ मर गया है। हाँ हाँ, मरे हुए और डरे हुए लोगों में कोई फर्क नहीं होता है। अब तुम चलो यहां से, हम अपना काम करूंगा। ठीक है, तुम यहां नहीं बोलोगे तो मैं वारंट निकलवाकर तुम्हें पुलिस स्टेशन बुलवाऊंगा और वहां तुम्हारा मुंह खुलवाऊंगा। और अगर हम नहीं चाहो तो तुम क्या, तुम्हारा बाप भी हमारा मुंह नहीं खुलवा सकता है, समझा? और रही वारंट की बात, तो वो तुम्हें यहां कभी नहीं मिलेगा। नहीं मिला ना वारंट वकील साहब। तुम आ गए हो तो वारंट भी आ जाएगा। अरे हम तो अपनी मर्जी के मालिक हैं वकील साहब, वारंट में तो दो तीन लोगों की मर्जी चलती है। अभी अभी तुम्हारा इंस्पेक्टर आएगा और कहेगा। हम का बताएं वकील साहब, हम बहुत कोशिश किए रहे परंतु का करें, शाम के 5 बज गए। हम का बताएं वकील साहब, हम तो बहुत कोशिश किए रहे परंतु का करें, शाम के 5 बज गए थे। तुम्हारी वारंट वाली धमकी तो नाकाम हो गई वकील बाबू। अब पूछो का पूछना चाहते हो, पूछो। मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम रात में क्या काम करते हो और किसके लिए करते हो। हम सिर्फ उतना ही बताऊंगा वकील साहब जितना हम बताना चाहूंगा। नहीं, तुम वो सब कुछ बताओगे जो मैं जानना चाहता हूं। हमारे बारे में जितना कम जानोगे वकील साहब, तुम्हारी सेहत के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। जानता तो सब कुछ हूं मैं तुम्हारे बारे में। अंधेरी रातों में लोहा पिघलाकर तुम किसके लिए क्या क्या बनाते हो सब कुछ पता है मुझे। पर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। हम जब तक नहीं चाहूं हमारा मुंह कौन खुलवा सकता है वकील साहब। लेकिन हां, अगर तुम 5 लाख रुपया हमको दो तो हम तुमको सब कुछ बता दूंगा। 5 लाख रुपए? इतने सारे रुपए क्यों? पूछो मत कुछ, सिर्फ ये बताओ दे सकते हो या नहीं दे सकते। नहीं नहीं, सरकार गवाही के लिए किसी को रुपए वुपए नहीं देती। कोई बात नहीं वकील बाबू, अगर रुपए नहीं दे सकते हो तो हमारी बातचीत समझो यही खत्म। रुक जाओ जगन्नाथ, अगर बताना कुछ नहीं है तो कुछ सुनते जाओ। इस इलाके में जुल्म और अन्याय की हुकूमत चलती है, इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है यहां। एक शैतान ने जिसका नाम भुजंग है, लोगों के रोए रोए में अपना डर बिठा दिया है, दहशत पैदा कर दी है। क्या कोई एक ऐसा मर्द नहीं है यहां जो भुजंग के सामने खड़ा हो सके, उसके गुंडों को जुल्म करने से रोक सके? धीरे धीरे यह इलाका कब्रिस्तान और शमशान घाट में बदल जाएगा। और तुम होके सच बोलने के लिए रुपए मांग रहे हो, क्या तुम्हारे अंदर यहां कुछ है या नहीं? ये पूछने उस वक्त आना था वकील साहब जब हमारे सीने में आग नहीं लगी हुई थी। अब हमसे कोई नहीं पूछ सकता। शराब की बोतल और कोयले की भट्टी, यही दो जानते हैं हमें। अंदर की आग को बाहर निकालोगे तभी तो लोग जान पाएंगे तुम्हें। सुन नहीं सकोगे वकील साहब, जल जाओगे, कानों में शीशा पिघलने लगेगा, दहकता हुआ अंगारों की तरह सच कोई सुन नहीं सकता। मैं समझता हूं कि जितना तुम चीख रहे हो उतना दर्द नहीं है तुम्हारे अंदर, और जितना तुम ये भड़क रहे हो ना उतनी आग भी नहीं है तुम्हारे अंदर। वकील साहब, हम तुम्हारी चाल को अच्छी तरह समझता हूं और हम तुम्हारी चाल में नहीं आने वाला।
अगर नहीं मालूम तो इतना जान लो वकील साहब कि हम सारी दुनिया को अपना तलवा के नीचे रखता हूं। हम खुद अपनी मर्जी से चल के यहां आया हूं सिर्फ तुम्हें यह बताने के लिए कि हम भुजंग के खिलाफ गवाही दे सकता हूं। हम गीता की कसम खाकर डंके की चोट पे उसके गिरबान पे हाथ डाल सकता हूं, लेकिन क्या तुम्हारा कानून फांसी का फंदा उसके गले तक पहुंचा सकता है? नहीं वकील बाबू नहीं। कहा है कि तुम्हारा कानून कमजोर है, वो कभी भी टूट सकता है, वक्त आने पे बिक भी सकता है। अरे तुम्हारा कानून तो एक ऐसी दीवार है जिसमें हजारों छेद हैं, एक ऐसी हथकड़ी है जो किसी भी चाबी से खुल सकती है। हम तुम्हारे ऐसे कानून के लिए ना कभी कुछ बोलूंगा और ना ही कुछ करूंगा। आइए बैठिए, सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। माँ और बच्चे दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। सिर्फ तनाव और चिंता से दूर रहना होगा। यही तो मुश्किल है डॉक्टर। क्यों? तनाव और चिंता से मुक्ति कैसे मिल सकती है जबकि मेरे पति दिन रात लीन रहते हैं अपने काम में। काम ही उनकी पूजा है। ऐसा हाल है जैसे कि रानीगढ़ की समस्याओं को अपना लिया हो, हर वक्त यहाँ के मसलों को हल करने का ही सोचते रहते हैं। मैं समझ सकती हूँ, फिर भी आपकी सेहत की समस्या पर ध्यान देना भी जरूरी है, नहीं तो सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। अजय, इस बात को मामूली बात मत समझना। तुम सबको मिलकर किसी भी हालत में ये देखना है कि तुम्हारी भाभी को कोई परेशानी ना हो। भाई आजकल बहुत परेशान है। दीनू चाचा के केस में कानूनी तौर पर भुजंग के खिलाफ अभी तक कुछ भी नहीं कर पाए। कानून की कमजोरी एक लाचारी बनकर उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। मुझे तो लगता है कि अब उनकी मदद के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अगर किसी तरह मंगा से कबूल करवा ले कि दीनू चाचा के कत्ल में वो भी भुजंग के साथ था तो भुजंग को फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। वो कैसे? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। गुड आइडिया, तुम बातों ही बातों में मंगा से कहलवा लो, मैं उसकी आवाज रिकॉर्ड कर लेता हूं।
छड़ियों से गिर गया था, चोट लग गई। मैं फिर पूछता हूं, कैसा लगा है निशान? कौन है इसका जिम्मेदार? अजय, वकील बाबू का छोटा भाई। लेकिन मैंने उसे बहुत मारा, ले लिया उससे बदला, उसकी मैंने बहुत पिटाई की। हमारे कानून में पिटाई के बदले पिटाई नहीं, सफाई होता है, वो भी जड़ से। जड़ यानी वकील बाबू। भुजंग बाबू, ये जड़ जरा मोटे किस्म की है, सरकारी वकील है वो, सब कुछ हिल जाएगा। इसलिए जो कुछ भी करना हो सोच समझ कर करना होगा, किसी दूसरे टाइप से। तुम ठीक बोलता है, उसके टाइम मशीन का टिक टिक बंद करने का टाइप भी दूसरा होगा। भी लगता है बेवकूफ कहीं का। बस जगन्नाथ भाई, तुम सही वक्त पर आए तो मेरी जान बची। अरे मगर हमारी बोतल नहीं बची। देखो तो, अंधों की तरह गाड़ी चलाता है, न दाई देखता है न बाएं, किसी की जान चली जाती तो। वैसे जगन्नाथ भाई आपका हा? अरे कहां जल्दी है? इसे मेरी जान बचाने के बदले में कीमत ना समझना। वो तुम्हारी भरी हुई बोतल को ना बचाने के बदले में एक नई बोतल की रकम है। मगर हमरी भी एक शर्त है। शर्त? हमारे साथ पीना होगा। ओके, आइए। हमेशा अकेले ही पीते हो, अकेलापन तुम्हें बहुत पसंद है। हम अकेला जीता हूं, अकेला पीता हूं, ना कोई हमारा ना हम किसी का। कल तक ये बात सच थी मगर आज सच नहीं है। मेरी जान बचाकर तुमने ये साबित कर दिया है कि इंसानियत के नाते तुम मेरे दोस्त हो, और तुमसे नई जिंदगी पाकर मैं भी हमेशा के लिए तुम्हारा दोस्त हो गया हूं। ये जो रिश्ता तुमने अभी अभी जोड़ा है, समझो यही शुरू हुआ और यही खत्म। कहा है कि हम कोनो रिश्ता में विश्वास नहीं रखता हूं, मगर तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही बता रही हैं। इनमें साफ दिखाई दे रहा है कि तुम एक चोट खाए हुए जख्मी फरिश्ते हो। बंद करो ये बकवास। तुमको हमारे साथ शराब पीनी हो तो पियो, नहीं तो दफा हो जाओ। नहीं जगन्नाथ, आज मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। अपने बीते हुए कल पर जो दरवाजा तुमने बंद कर रखा है, आज मैं उसे खोल कर ही जाऊंगा। कुछ और नहीं तो कम से कम एक दिलचस्प किस्सा तुम्हें आज जरूर सुनाकर जाऊंगा। सन 1980 में आजादपुर सेशन कोर्ट में एक केस आया था, एक अमीर व्यापारी सेठ और सरकार के बीच। उस केस का प्रिंसिपल विटनेस, जिसके बिना पर पूरा केस खड़ा था, उसका नाम था जगन। जानते हो सरकार वो केस हार गई और उस मुलजिम को बाइज्जत बरी कर दिया गया।
वो मुल्जिम कोई और नहीं था, उस व्यापारी सेठ का बेटा राकेश नाथ था। लेकिन वो राकेश नाथ इस केस के बाद कहीं चला गया, शायद शहर छोड़कर या फिर देश छोड़कर। नहीं, दुनिया छोड़कर चला गया। और वो जगन, लोग कहते हैं कि व्यापारी सेठ से कुछ पैसे लेकर चुपचाप कहीं चला गया। ना जगन ने पैसे लिए और ना ही वो चुपचाप चला गया। हम वैसा नहीं हूं जैसा दिखता हूं। हमरा भी एक हरा भरा परिवार था। हमरी बीवी तो गुजर चुकी थी, लेकिन हमरा एक ठो बच्चा था, बिरजू, हमार बचवा। बिरजू, पापू, पापू, हम आ गए। अरे बिरजू, आजा हमार बचवा, आजा, आजा बिरजू। पापू, आप हमको 5 लाख रुपए देंगे? 5 लाख रुपए? अरे भैया, 5 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा होता है। तो क्या हुआ, लेकिन हमको 5 लाख रुपया चाहिए, क्योंकि जब हम बड़े होंगे ना, तब गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलेंगे, जिसमें सब बच्चे मुफ्त में पढ़ाई कर सकेंगे। क्यों बापू? अरे वाह वाह बबुआ, 5 लाख रुपया से गरीब बच्चन के लिए स्कूल बनवाएगा, ये तो बड़ी खुशी की बात है बचवा। अरे वाह वाह, 5 लाख रुपया, फिर तो हम कहीं से जरूर इंतजाम करेंगे। घर में बिजली लगाने के पैसे ना होने की वजह से फुटपाथ पर खंभे की रोशनी में हम बिरजू को पढ़ाता। हम बिरजू का माँ, हम ही बिरजू का बाप। उसी रोशनी में हमारा बिरजू पढ़ता और हम उसको टुकुर टुकुर देखता रहता। प्यास लगने पे जब हम बिरजू के खातिर पानी लाने निकला, तो हमें क्या पता था कि हमारा बिरजू प्यासा रह जाएगा, यकवायक सामने से नशे में तुत एक अमीर सेठ का लड़का गाड़ी चलाकर आया और एक ही क्षण में हमरा खुशी से भरा दुनिया उजड़ गया, हम बर्बाद हो गया। हमरा बिरजू हमेशा हमेशा के लिए हमसे जुदा हो गया। हम कानून को अपने हाथ में लेना नहीं चाहता था और इंसाफ को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। वकील साहब ने मदद करने का पूरा विश्वास दिलाया हमको, हमरा बच्चा। लेकिन जब हम अदालत में खड़ा हुआ, तो धीरे धीरे वही विश्वास हमसे दूर होने लगा। वकीलों की बहस का रंग देखकर सिर्फ इतना समझ में आया कि जो कुछ भी वो लोग कह रहे थे वो गलत था, सरासर गलत था। और हुआ वही जिसका डर था। जब अदालत में फैसले की घड़ी आई, यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि रास्ता बंद होने के बावजूद जगन्नाथ का अपने बच्चे के साथ रास्ते पर बसना गैर कानूनी था। रही बात राकेश नाथ की, उसका जुर्म सिर्फ यही साबित होता है कि वो बेहिसाब गाड़ी चला रहा था, जिसके लिए उसे ये अदालत 900 रुपए जुर्माने की सजा देती है। इंसाफ की हार ने हमें तोड़ दिया, हमें चकनाचूर कर दिया। हमारा बिरजू, हमारा बचवा का इंसाफ हमें नहीं मिला। हम खड़े खड़े मर गए। लेकिन जब हम बाहर आया और कानून की रक्षा करने वालों के हाथों इंसाफ का गला घुटते देखा, तब हम एक ही झटके में सब कुछ समझ आ गया। और तब हम नहीं रहा, जगन भी जगन नहीं रहा। हम जगन से जगन्नाथ बन गया। हम जगन्नाथ बन गया। जगन्नाथ बन गया। हम जगन्नाथ बन गया। सीने की भड़ास को पूरी तरह बाहर निकालने के बाद भी हमें आज तक चैन नहीं आया वकील बाबू।
हम उस दिन से लेकर आज तक जल रहा हूं, तड़प रहा हूं, तप रहा हूं। हां जगन्नाथ, तुम तप रहे हो, तप रहे हो नफरत की आग में, और इस नफरत की आग से तुम्हें मुक्ति उसी दिन मिलेगी जिस दिन तुम अपने बेटे बिरजू के नाम स्कूल बनाओगे। हां, लेकिन इस नेक काम की नींव अच्छे काम से पड़नी चाहिए। तुम खुद ही सोचो जगन्नाथ, एक मौत का हथियार बनाने वाला इंसान जिंदगी का मधुर गीत कैसे गा सकता है? अपने दिल और दिमाग को अच्छे रास्ते पर डालो, पैसे खुद ब खुद आ जाएंगे, स्कूल भी बन जाएगा, और इस नेक काम के लिए तुम्हें अगर मेरी जरूरत पड़े तो बुलाने में कभी देर मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हमेशा। जगन्नाथ, अब मैं चलता हूं। अच्छा, वकील बाबू, तुम अच्छे आदमी हो। अच्छा आदमी है, इसीलिए तो हमें अच्छा नहीं लगता। आज उसने जगन्नाथ लोहार के दिल के लोहे को पिघलाने की कोशिश की, कल उसके दिमाग को पिघलाने में कामयाब हो सकता है। अरे भुजंग बाबू, ऊपर वाले ने हर इंसान के अंदर एक कमाल की रग रखी है, जिसे कहते हैं दुखती रग, जिसके हल्के से दबाने से मजबूत आदमी को भी नानी याद आ जाती है और वो मैदान खाली कर देता है। आखिर कहना क्या चाहते हो? सिर्फ इतना कि वकील बाबू की दुखती रग है उसका परिवार, उसकी गर्भवती पत्नी और जान से प्यारा छोटा भाई। आपके छोटे से इशारे पर, छोटे से भाई पर छोटा सा हमला, और फिर टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। दिल की कलम से अपने ही दिल में नाम तेरा लिख दूं, ओ जान जा। दिल की कलम से अपने ही दिल में नाम तेरा लिख दूं, ओ जान जा। मेरे सजना ना होंगे जुदा, दिल की कलम से अपने ही दिल में नाम तेरा लिख दो, ओ जाने जा। कलम से अपने ही दिल में नाम ते...
की कसमें निभाते रहेंगे, चाहत के पोल में गाते रहेंगे। मोहब्बत की कसमें निभाते रहेंगे, चाहत के पोल में गाते रहेंगे। हमको तो जान से प्यारा है प्यार अपना, प्यार अपना। दिल की कलम से अपने दिल में नाम तेरा लिख दो, ओ जाने जा। दिल की कलम से अपने ही दिल में नाम तेरा लिख दो, ओ जाने जा। नाम तेरा लिख दो, ओ जाने जा। नाम तेरा लिख दो, अजय इधर आ, इधर। तेरे कपड़ों से पेट्रोल की बू क्यों आ रही है? पेट्रोल क्या हुआ भैया? वो मंगा ने अचानक हमला कर दिया। तो क्या वो पेट्रोल डाल के तुम्हें जला देना चाहते थे? देखा देखा तुमने, वो लोग इसके खून के प्यासे हो गए, इसे जान से मार देना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है भाभी, मैं अपनी हिफाजत खुद करना जानता हूँ। उन लोगों से कोई अपनी हिफाजत नहीं कर सकता अजय। अरविंद तुम इसे क्यों नहीं समझाते? कानून का साथ होते हुए भी जब तुम्हें मुश्किल हो रही है तो ये बेचारा निहत्ता उन शैतानों से कैसे मुकाबला कर सकता है? मैंने तुमसे कहा था ना अजय कि इस झमेले में मत पड़ना, उनसे दूर रहना। कोई जबरदस्ती आके इसके सर पे गिरे तो ये बेचारा क्या कर सकता है? मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए इसे यहाँ से भेज दो, आज ही शहर भेज दो। नहीं भाभी, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मैं क्या किसी से डरता हूँ जो भाग जाऊँ? देखा जवान खून कैसे खोल रहा है। भुजंग की दुश्मनी तुमसे है और बदला वो अजय से लेगा। अजय बेटा तू यहाँ से चला जा, वरना तुझे कुछ होने से पहले मैं अपनी जान दे दूंगी। भाभी तो खामखा परेशान होती है, कुछ नहीं होगा मुझे। जो कुछ भी हुआ है उसके बाद अगर भगवान भी कहे कि कुछ नहीं होगा, मैं यकीन नहीं करूंगी। तुझे यहां से जाना ही होगा, तुझे मेरी कसम।
सुनिए, मैं अजय हूँ, सरकारी वकील का छोटा भाई। क्या काम है बोलो। एक बंदूक चाहिए। कितने पैसे लगेंगे? वो तो हम बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ किस लिए चाहिए? इस इलाके में जीने के लिए, क्योंकि इस इलाके के लोग सिर्फ बंदूक की भाषा समझते हैं। फिलहाल तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन जब आऊंगा क्या आप मुझे बंदूक देंगे? हाँ दूंगा। क्या ये आपका वादा है? हाँ वादा है, जगन्नाथ का वादा। हम जो कहता हूँ वो करता हूँ, जो करता हूँ वो कहता हूँ, क्या हो जाएगा। शुक्रिया भैया। सुनो, भैया कहा तो हमारी एक बात याद रखो, मारने के लिए तो बंदूक चाहिए, लेकिन जिंदा रहने के लिए शक्ति चाहिए, हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए, अपने भैया की तरह कलेजा चाहिए। जा। अरविंद, आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? हर वक्त खोए खोए से रहते हो, जहां बैठे हो असल में वहां मौजूद ही नहीं। हर चीज की एक शुरुआत होती है और उसका अंत भी होता है। अगर इस केस की शुरुआत हुई है तो इसका अंत भी होना है। वही तो मैं भी चाहता हूं कि भुजंग नामी इस शैतान के राज का अंत हो जाए, खत्म हो जाए उसकी दहशत। मगर कैसे? कानून के सारे कायदे तौर तरीके उसके सामने नाकाम होते जा रहे हैं। तो गैर कानूनी तरीकों से काम लेने का सोचो। क्या 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 मतलब? मतलब ये कि जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि भलाई के लिए कहा गया एक झूठ सैकड़ों सच से ज्यादा माने रखता है, तुम भी वैसा क्यों नहीं करते? भुजन को उसी की जुबान में क्यों नहीं जवाब देते? तुम भी एक झूठा गवाह क्यों नहीं खड़ा कर देते? झूठा गवाह सच्चाई के लिए? अरविंद, मैं चलकर कहूंगी कि भुजंग को कत्ल करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है, फिर देखना तमाशा। मगर तुम तो मौके वारदात पर मौजूद नहीं थी। ये बात उनको साबित करने दो। वो लोग कुछ साबित करे न करे, मगर आज तुमने ये साबित कर दिया भारती कि तुम हर तरह से एक वकील की अधंगिनी हो। परंतु ये तो आपका परिवार है, आपकी पत्नी है। क्यों, क्या एक सरकारी वकील की पत्नी होने के नाते किसी के खिलाफ गवाही नहीं दे सकती? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मिस्टर बलवंत, ये मेरी पत्नी होने के अलावा इस आजाद मुल्क की एक आजाद नागरिक भी है। परंतु ई मौका वारदात पर मौजूद नहीं थी। तुमको कैसे मालूम? क्या तुम थे वहां? ये का मतलब है तीनों के मर्डर केस की फाइल फिर खुलेगी। अवश्य खुलेगी, और इस बार इंसाफ हुए बिना नहीं बंद होगी, क्योंकि इस बार हमारे पास एक चश्मदीद गवाह भी है। अब आप अपने भुजंग बाबू के लिए गिरफ्तारी का वारंट हासिल करेंगे और उन्हें सलाखों के पीछे डालेंगे। चलिए। अरेस्ट तो हम कर लेंगे वकील बाबू, परंतु हड्डी अटक गई है। वो क्या है कि आज शनिवार है, 5 बज चुके हैं, कल रविवार है, कोर्ट बंद है, तो वारंट तो आपको सोमवार को ही मिलेगा। ओके मिस्टर बलवंत, एक बात कान खोल कर सुन लो। सोमवार सुबह सुबह मैं भुजंग बाबू को सलाखों के पीछे देखना चाहता हूं। अंडरस्टूड?
का टाइम, शाम का टाइम, काम का टाइम, आराम का टाइम, नाम कमाने का आता है टाइम, जान लुटाने का आता है टाइम, अच्छा भी जीवन में आता है टाइम और बुरा भी जीवन में आता है टाइम, टाइम ने चाह तो तू भी बुलाया, टाइम मिला तो मिलने को आई, समझो इशारे दिल ही पुकारे, आया है प्यार का टाइम टाइम टाइम। पुलिस वालों से यही प्रॉब्लम है, हमेशा गलत टाइम पे आते हो, बाद में आ। परंतु ये बार हम सही टाइम पर सही बात करने आए हैं। वो वकील के बच्चे ने नई हड्डी अटका दी है, वो ससुर अपनी पत्नी को तुम्हारे खिलाफ गवाह बनाकर पेश करना चाहते हैं। तो ये वकील बाबू का नया आइडिया है, अच्छा लगा हमें, लेकिन ये आइडिया हमें फिनिश कर सकता है, इसीलिए वकील बाबू के स्टोरी को दी एंड लगाना पड़ेगा। परंतु ये काम बड़ी होशियारी से करना होगा। तुम फिकर मत करो इंस्पेक्टर, ये काम होशियारी से ही नहीं बल्कि हम सफाई से भी करेंगे। ये खून हमारे हाथ होगा, लेकिन ये खून का निशान किसी और के हाथ पे होगा। किसका? जगन्नाथ। ओए बबुआ, एक अद्धा औला, अगर तुम हमरे लिए खोल रहे हो तो रहने दो, कहे कि हम हर किसी के साथ नहीं पीता हूं। वो तो हमको अच्छी तरह मालूम है, तुम हर किसी के साथ नहीं लेकिन किसी किसी के साथ पीते हो। हाँ, का मतलब? मतलब ये कि तुम सिर्फ अच्छे आदमी के साथ पीते हो, हम पूरे का पूरा अच्छा तो नहीं बन सकते। हाँ, अच्छा आदमी बनने की जरूर कोशिश कर सकता हूँ। मेरा इशारा वकील बाबू की तरफ है, जिसे तुम बहुत पसंद हो और मैं बिल्कुल नहीं। देखो, हमें घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है और ना ही करने की कोई जरूरत है, काम की बात करो। देखो जगन्नाथ, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है और बढ़ाया तुम्हारा दोस्त वकील बाबू ने, उसके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, फिर भी हाथ धो के मेरे पीछे पड़ा हुआ है, आखिर हमारी किस बात की लड़ाई है? अच्छे और बुरे की। फिर तुम ये भी जानते होंगे कि इस अच्छे और बुरे की लड़ाई में जीत किसकी होगी। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो एक बात बोल रहा था। देखो, जो बोलना है जल्दी बोलो, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? मैं तो ये बता सकता हूँ कि मुझे क्या नहीं चाहिए। मुझे दुश्मनी नहीं चाहिए, मुझे नुकसान नहीं चाहिए, किसी का भी नहीं। मैं तो दुश्मनी का लकीर दोस्ती से मिटाना चाहता हूँ। वो कैसे? मैं ये चाहता हूँ कि मैं वकील बाबू से सुलह सफाई कर लूं। अगर मैं अकेला जाऊंगा वो दरवाजा तक नहीं खोलेगा, अगर मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा तो कम से कम मेरी बात तो सुनेगा।
मैं ये चाहता हूँ कि वकील बाबू मुझे ये बता दे कि अदालत में किन किन जुर्मों का किस तरह कबूल करूं, ताकि मुझे कम से कम सजा मिले। बस और कुछ नहीं, सिर्फ बातचीत। सिर्फ बातचीत और कुछ नहीं। ये याद रख, तुम्हारे साथ ना ही कोई यार होगा और ना ही तुम्हारे पास कोई हथियार होगा, और अगर हमसे जरा भी चालाकी करने की कोशिश की तो हम तुमको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ठीक है जगन्नाथ, हम काली आज चलेगा, और मां कसम हमारा भी रिकॉर्ड है, आज तक हम काली आज किसी को नहीं मारा। और हमारा भी रिकॉर्ड है कि हमारे खाली हाथ से भी आज तक कोई नहीं बचा। चलो आई। हिला नहीं, हम बुलाऊंगा तुम्हें, पहले हम जाता हूं। वो यहां आ गया, वो यहां भी आ गया। दरवाजा मत खोला, तूफान के लिए दरवाजा मत खोला, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। बात क्या है भारती? मुझे मालूम नहीं क्या बात है, मगर मेरा दिल घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ अशुभ होने वाला है। दरवाजा मत खोला। ए, वकील बाबू, अरे दरवाजा खोलो। हम हूँ हम जगन्नाथ। अरे हम अपने साथ भुजंग को भी लाया हूँ भाई। अरे जगन्नाथ भी साथ में है, और तुमने मुझे बताया नहीं। अरे अंदर आने दो, से पहली बार घर में आया और तुम कहती दरवाजा मत खोलो। मगर भुजंग उसके साथ है, दरवाजा मत खोलना। तो क्या हुआ? अरे डरने का कोनो बात नहीं है वकील बाबू, तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी हम पे है। हम भुजंग को इसलिए साथ लाया हूँ कि तुमसे बातचीत होके सुलह सफाई हो सके। ऐसी भी क्या बात है जिसे आधी रात को हो सकती है, कसम नहीं हो सकती, इसे कह दीजिए कसम आए, बोलिए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे इसमें डरने की क्या बात है? सुनो भारती, भुजंग से हमको डरने की कोई जरूरत नहीं, उल्टा भुजंग को हमसे डरना चाहिए। क्या बिगाड़ लेगा हमारा हा? अरे जगन्नाथ अंदर आओ ना। देखो वकील बाबू, हम जो वकील बाबू, खूनी कातिल, तुम्हारी वजह से मेरे पति ने दरवाजा खुला, तुम्हारे कहने पर, तुम खूनी हो, कातिल हो, छोड़ दो मेरे पति को। आप ही मत रखो, आप ही मत रखो, आप हम पे भरोसा, आप हम पे भरोसा करो, आप हम पे भरोसा करो वकील बाबू, वकील बाबू, वकील बाबू। डॉक्टर साहब आप देखिए, आप बचा लीजिए, किसी भी तरह से बचा लीजिए। डॉक्टर साहब आप वकील जॉब, वकील बाबू को बचा लीजिए। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी ऑपरेशन की तैयारी करती हूँ, आप मेरे साथ चलिए। नहीं, मैं यहीं रहूंगी। ओके, पत्रो भारती, पत्रो। ये लो दीदी, ज्योति अलमारी से खून की बोतलें निकालो। अच्छा। हेलो डॉक्टर, उस वकील की जान बचाने की ट्राई मत करना, वरना फ्री में तेरी जान चले जाएगी। देखो मिस्टर, मौत की धमकी मुझे मेरी ड्यूटी करने से नहीं रोक सकती, मैं अपना फर्ज निभा कर ही रहूंगी।
जगन्नाथ। जगन्नाथ अब तो तुम बोलोगे ना, अब तो तुम खामोश नहीं रहोगे ना, अब तो तुम खामोश। हरामजादे, तूने उस मासूम की मौत को हमारे सर के ऊपर डाल के अपनी मौत को अपने पास बुला लिया है। हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा हरामजादे। इस फाइटर को उस इंस्पेक्टर बलवंत के पास लेके जाओ, इसकी जो भी बची कुची जान है वो निकाल देगा। ससुरे का नीचे तो हम झूठ की औलाद हैं। अरे ओ लहरवा, चाय पिलवाऊं, बहुत गर्मी लागत है, पंखा चलवाऊं तो हर टेटवा में ऐसन हड्डी अटकाऊंगा, ना तो निगल सकोगे और ना ही उगल सकोगे। एक बार हमार हाथ खोल दे इंस्पेक्टर, तुम्हारी हड्डियों की कसम, हम तुम्हारी हड्डी से हड्डी ना बचा दूं तो हमार नाम जगन्नाथ नहीं। ये देखो, ससुरे में जाना अभी तक बाकी है। हम तुका जंगल में ले जाएंगे, जवाबी हमले का नकली केस बनाई के हम तुका गोली मार देब। मतबल समझ गए ना लहरुआ, फेक एनकाउंटर। ले चलो इका।
जगन्नाथ की कहानी तो खत्म हो गई जीजाजी, लेकिन मेन कहानी अभी भी बाकी है। उस वकील की पत्नी हमारे रास्ते का लास्ट प्रॉब्लम। हाँ, उसका खत्म होना बहुत जरूरी है जीजाजी, बहुत जरूरी। हाँ, उसके जिंदगी के टाइम बॉम्ब को आज रात में ब्लास्ट कर देंगे। के बाद अब इस दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? और अगर तुम ऐसा कहोगी तो मैं कैसे जीऊंगा? हम लोग क्यों आए थे यहाँ? क्यों आए थे रानीगढ़? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे भैया की चिता को आग लगाए? क्यों आए थे यहाँ? मत रो भाभी, प्लीज प्लीज मत रो। भैया तो आज भी हमारे साथ हैं, उनका बच्चा तुम्हारे पेट में है। अपने लिए नहीं तो अपने आने वाले मुन्ने के लिए तो तुम्हें जीना ही पड़ेगा। नहीं नहीं अजय, मैं उनके बगैर नहीं जी सकती। मैं तुम्हारे भैया के बगैर नहीं जी सकती। मुझे तुम्हारे भैया ला दो, मुझे तुम्हारे। अजय, इनका पल्स बिल्कुल ड्रॉप हो रहा है। मैं कुछ दवाइयां लेकर देती हूँ, तुम फौरन लेकर आओ, वरना इनकी जान को खतरा है। जल्दी क्यों डॉक्टर? फोन में बहुत डायलॉग बोल रही थी, अब चुपचाप मुझे वकील बाबू के बीवी के पास लेके चल, चल, नहीं तो तेरे सारे डायलॉग एक ही झटके में निकाल लूंगा। चलो। Thank you.
पता नहीं, शायद पेट्रोल खत्म हो गया। अब क्या होगा? ढूंढ रहा था आप लोगों को, शुक्र है आप लोग मिल गए। चलिए मेरे साथ, जल्दी आइए, आइए ना। ज्योति, भाभी, डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर साहिबा, ये सब कैसे हुआ? भूषण, भूषण, ज्योति अब भारती की जान के पीछे पड़ा है। तुम जाओ, उनको बचाओ, मेरी फिक्र। Thank you.
ये जगह खतरे से बिल्कुल खाली है, घबराने की जरूरत नहीं। मैं जाके खाने पीने का इंतजाम करता हूँ और अजय बाबू को ढूंढता हूँ, और जाते जाते मैं बाहर से ताला मार देता हूँ, चाबी तुम्हें दे देता हूँ, ताकि किसी को शक ना हो कि तुम अंदर हो। हाँ आओ। कहा है पता है? तो बोलना। मुंह से तो हाथ हटाओ, भाभी और दीदी दोनों सुरक्षित है, मैंने उन्हें अपने मामा के गोडाउन में रख दिया है। लेकिन भैया भाभी के लिए इस वक्त दवाइयां बहुत जरूरी है। ज्योति, जो तुम मेरे लिए कर रही हो एक सगी बहन भी अपनी बहन के लिए नहीं करती। नहीं भाभी ऐसा मत कहो। भाभी भाभी यहां का चप्पा चप्पा ढूंढ निकालो, जाओ और खाली हाथ नहीं आना। भाभी भाभी पी लो। लल्ला तनिक जरा हड्डी पर जोर तो डालो, अब अगर भागते हुए आदमी पर गोली चलाएंगे तो गोली तो पीठ में ही लगेगी ना, यही वास्ते तो तुम्हें उल्टा बांध रखा है हड्डी डाल के। चलो भगवान को याद कर लियो, अब तुम्हारी हड्डी का
राख होने का टेम आ गया है। अजय भैया, भाभी की जान खतरे में है। हम जो कहता हूं वो करता हूं, जो करता हूं वो कहता हूं। हमने कहा था ना कि अगर तेरी हड्डी से हड्डी न बजा दी तो हमारा नाम भी जगन्नाथ नहीं। ये ले। हम लोग यहां आए तो थे, लेकिन अंदर जाके देखा नहीं क्या है। जरूर कुछ दाल में काला है। जाओ जाके ताला तोड़ के देखो अंदर क्या है। जाओ। क्या हुआ? गुंडे लोग आ गए। अभी आ गए। डूडो से वो यही कहीं होगी। डूडो डूडो
सकते ही नहीं। लड़का हुआ है, तुम मेरी फिक्र मत करो, इसे यहां से दूर ले जाओ, इसे बचा लो, ये मेरे पति की आखिरी निशानी है, प्लीज ज्योति मत सोचो, जाओ। हमको तू और तेरा गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, हमको सिर्फ तुम्हारा भाभी चाहिए। फटाफट बताओ वो कहाँ है, जल्दी बताओ, नहीं तो मैं खुद मालूम करूंगा। ए मैडम, तू जा भी चुपी है, जल्दी बाहर निकल, नहीं तो इस बच्चे को नीचे गिरा के उसका टाइम अप कर दूंगा। तो मैं तुझे किसी और को भी नहीं होने दूंगा, मार डालूंगा, मार दूंगा तुझे, मार दूंगा।
भैया आप इंसान नहीं देवता हैं।